न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है जी, पार्टनरशिप क्या होती है? दो पार्टनर मिलके दो से बीस, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें तो पार्टनरशिप कहलाता है। तो मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 20 होते हैं। सही, बैंकिंग सिस्टम में 10 चलिए चलिए बात करते हैं। अच्छा, ये हैंड आउट आपको मिल जाएगा ब्रेक के बाद। डेफिनेशन क्या? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। सही, ओके जी। अच्छा, ये लिखा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हुआ? स्लीपिंग, स्लीपिंग पार्टनर होता है। हाँ, मतलब ये कि कोई एक पार्टनर भी बिजनेस रन कर सकता है, बाकी घर पे आराम करें। हाँ, या फिर सब मिलके भी बिजनेस चला सकते हैं। सही, जैसे भी एक ने इन्वेस्टमेंट की और एक काम कर रहा है, ऐसा भी होता है ना। एक के पास इन्वेस्टमेंट है और एक के पास नॉलेज है, एक के पास दिमाग है, दोनों मिल गया, पार्टनरशिप हो गई। तो एक इन्वेस्ट करके घर बैठ जाएगा, दूसरा बिजनेस काम करता रहेगा और प्रॉफिट दोनों शेयर कर लेंगे। कैरी बिजनेस चलाना, कैरी कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या? कैरी ऑन उससे कैरिड हो गया ना। कैरिड ऑन का मतलब एक पार्टनर भी चला सकता है या सब मिलके भी बिजनेस चला सकते हैं। ठीक, अच्छा। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप ओवर अ सोल ट्रेडर। अच्छा, पार्टनरशिप शेयर्स बिजनेस रिस्क बिटवीन मोर देन वन पर्सन। आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है, जैसा कि लॉस हुआ तो सब में डिवाइड होगा, एक को बेयर नहीं करना पड़ेगा, जबकि सोल ट्रेडर में सारा लॉस एक को बेयर करना होता है, रिस्क एक ही बेयर करता है ना। अच्छा, ईच पार्टनर कैन डेवलप स्पेशल स्किल्स अपॉन विच अदर पार्टनर्स कैन रिलाय। Where the sole trader has responsibility for everything. Partnership में ये होगा, जैसे चार partners हैं तो आप अपनी skills के मुताबिक काम divide कर सकते हैं। ठीक, जबकि sole trader में क्या होगा, सारी responsibilities आपको खुद ही bear करनी है। तो ये advantage हो गया। अच्छा, greater resources will be available since more individuals will be contributing to the business. तो आपकी investment ज्यादा होगी, कैपिटल ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ठीक, जबकि सोल ट्रेडर में आप अकेले इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। अच्छा, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इफ वन पार्टनर रिटायर्स और डाइज। ठीक, फोर पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया तो बाकी मिलके बिजनेस चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं बन जाती है ना, नया बनता है, नया एग्रीमेंट बनता है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बिजनेस बंद नहीं होता। आपकी डेथ हो गई, आप रिटायर हो गए तो आपका बिजनेस खत्म हो गया। अच्छा, ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप ओवर अ सोल ट्रेडर, देयर मे बी डिस्प्यूट इन रनिंग ऑफ द बिजनेस। ये तो सबसे जरूरी है, लड़ाई झगड़े होते ही है। ठीक है, और एक अगर हर दिमाग आ गया तो बस गया। अच्छा, हाँ, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर देयर पार्टनर्स। अच्छा, जॉइंटली भी और अलग से भी वो लायबल होंगे। दस इफ वन पार्टनर इज बीइंग सूड इन रिलेशन टू द बिजनेस, ऑल पार्टनर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोटेंशियल लायबिलिटी। मतलब ये कहना कि एक ने अगर गलती की तो वो तो आप खुद भुगतेंगे, लेकिन दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक की वजह से लॉस हुआ तो सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जबकि सोल ट्रेडर में क्या होता है, आप अकेले लॉस करेंगे, अकेले भुगतेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या, एक की गलती सबको भुगतना पड़ेगा, अपनी गलती के लिए भी आप जिम्मेदार, दूसरी की गलती के लिए भी जिम्मेदार। सही, ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ओवर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी से कंपेयर करते हैं। Arrangement is less formal than setting up a company. Okay, which requires the issue of shares and appointment of
डायरेक्टर, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म करना बहुत आसान है। आज चार दोस्त मिल गए, आपने इन्वेस्टमेंट की, कल से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, वैसे तो पार्टनरशिप जब करते हैं तो आप एग्रीमेंट बनता है, प्रॉपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। अब ना बनाए, इन्वेस्ट करें और ओरली डिसाइड डिस्कस करके आप बिजनेस शुरू करते हैं, कर सकते हैं। फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं, जब कंपनी फॉर्म करने के लिए रजिस्टर्ड करना भी जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना भी जरूरी नहीं है, क्या बिजनेस की बात है। हाँ बिजनेस हाँ करेंगे पूछेंगे आपका कुछ कौन पूछेगा। हम चार मिलके एक फास्ट फूड शॉप खोल लेते हैं, तो कौन पूछना है। एक जनरल स्टोर खोल लें, मेडिकल स्टोर खोल लें, कुछ नहीं था। सही है, कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टनरशिप में। जो कंपनी फॉर्म करने के लिए तो एक लंबी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सबको आपने फुलफिल करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी होती है, फिर जाके आपकी कंपनी फॉर्म होती है। अच्छा, इफ द पार्टनर्स विश, अच्छा देखें पार्टनरशिप फॉर्म करना जितना आसान उतना ही आसान उसको डिसॉल्व करना। आज आपने बिजनेस शुरू किया, आपकी सेटिंग नहीं बनी, बिजनेस खत्म, एसेट्स बेचे, अपने अपने पैसे लेके घर निकल गए, कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ द पार्टनर विश टू डिसॉल्व द बिजनेस, दिस इज इजियर टू अचीव बाय अ पार्टनरशिप देन बाय अ कंपनी, दोनों आसान है। The disadvantage here, the partners are not protected from credit from the creditors of the business unless the partnership is set up as a limited liability partnership. ठीक है, the partners have unlimited liability. अच्छा, companies की liability limited होती है, partnership और sole trader में भी liability unlimited होती है। इसका मतलब क्या है limited और unlimited liability का? देखिए, आप partnership में business कर रहे हैं, business आपका बंद हो गया, partnership खत्म हो गई। आप क्या करेंगे, आप अपने एसेट सेल करेंगे, ठीक है, अपने एसेट सेल करेंगे, कैश जमा हो जाएगा, उससे लायबिलिटीज पे करेंगे, जो कैश बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, अपने एसेट अपने सेल किए, कैश जमा हुआ, लायबिलिटीज पे करना शुरू की, कैश खत्म हो गया, लायबिलिटीज खत्म नहीं, अब क्या होगा? हाँ, तब आपको अपने पर्सनल एसेट सेल करना पड़ेंगे, चाहे उसके लिए आपको गाड़ी बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, ज्वेलरी बेचना पड़े, जब तक लायबिलिटीज पे नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। ये हो गया पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कि जब तक आप लायबिलिटीज पे नहीं करते आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा, कंपनी में लायबिलिटी होती है लिमिटेड, कंपनी में क्या होगा, आपने कंपनी बंद हो गई, एसेट सेल किए, लायबिलिटीज पे करना शुरू की, कैश खत्म हो गया, लायबिलिटीज खत्म नहीं हुई, तो अब उसका लॉस जितने आपसे पैसे लेने थे कम, अब आपको नहीं दिए, नहीं ले सकते, खत्म, नहीं नहीं अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी को लॉ ही ये है ना कि लायबिलिटी लिमिटेड, लॉ ही कह रहा है हमारा, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड, इसलिए हर कंपनी के नाम में भी आता है ना लिमिटेड, ये शॉर्ट फॉर्म एलटीडी लिखा होता है, ये लॉ बना हुआ है, ठीक। अच्छा, इसको एक तरह से और भी डिफाइन किया जाता है बुक्स में, कि देखिए इस कंपनी की जो लायबिलिटी है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है, कि जितने आपने इन्वेस्ट करेंगे मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी में आपका मैक्सिमम लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं होगा, जबकि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या होता है, उससे ज्यादा हो सकता है, कि इन्वेस्टमेंट भी गई फिर आपको घर से मजीद पैसे देना पड़ेंगे जब तक लायबिलिटीज पूरी ना हो। तो कंपनी में आपकी लायबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है, उसके बाद आपको मजीद पेमेंट करने की जरूरत नहीं, वो उनका नुकसान है जिन्होंने पैसे लेने। अब इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए कंप्लीट, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, देखिए जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जो कुछ खास खास टर्म्स क्या हो सकती है उस पर हम बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज लाइकली टू स्पेसिफाई नेम ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन, ठीक है, बिजनेस नेम आ गया, टाइप आ गई। अच्छा, ड्यूरेशन भी हो सकता है,
कि अगर आप फर्ज करें 5 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसमें ड्यूरेशन भी मेंशन कर देंगे, और अगर कोई ड्यूरेशन नहीं है तो आप ड्यूरेशन मेंशन नहीं करें। अच्छा, कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, ठीक है, कौन कितने इन्वेस्टमेंट करेगा। एनी सैलरीज टू बी पेड टू पार्टनर, ये भी मेंशन हो जाएगी। अच्छा, सैलरी देखिए, वैसे तो पार्टनरशिप में जब बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट शेयर लेते हैं ना, सैलरी तो नहीं लेते हैं, ठीक, लेकिन प्रॉफिट आपको कब मिलता है, प्रॉफिट शेयर कब मिलेगा, ईयर एंड पर। लेकिन पूरा साल है आपको अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, कुछ अमाउंट तो चाहिए होगा, तो सैलरी की फॉर्म में आप प्रॉफिट विदड्रॉ कर सकते हैं, नहीं प्रोशा हर महीने आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको फिर जब ईयर एंड पे जो आपका प्रॉफिट शेयर बनेगा उसमें से वो सैलरी माइनस हो जाएगी। सुनो, कहने की आप यूं कह लें कि आप सैलरी के फॉर्म में अपना प्रॉफिट ड्रॉ कर रहे हो। अच्छा, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एनी लोन मेड टू पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर। अच्छा, नॉर्मली लोन तो हम बैंक से लेते हैं। अच्छा, बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना होता है, तो लोन आप पार्टनर से भी ले सकते हैं। आप लोन लेंगे तो उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे वो परसेंटेज भी हम मेंशन कर सकते हैं एग्रीमेंट में। अच्छा, इंटरेस्ट इफ एनी टू बी पेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है, ये कुछ अजीब सी बात लग रही है। देखिए, कैपिटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसा। अच्छा, होता क्या, नॉर्मली आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, लेकिन इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि जैसे भी एक पार्टनर है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है। अच्छा, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट लॉस शेयर भी ज्यादा होगा, और जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है उसका प्रॉफिट लॉस शेयर भी कम होगा। तो देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तब तो ठीक है, अब जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसका प्रॉफिट शेयर ज्यादा है, प्रॉफिट के केस में तो वो खुश रहेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस भी उसे ज्यादा बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक सिचुएशन हम इसमें निकाल सकते हैं कि भाई जो फर्ज करें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एक पार्टनर, वो कहता भी कि मैं इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन लॉस ज्यादा बेयर नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब एक पार्टनर कह रहे हैं मैं इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा करने को तैयार हूँ लेकिन लॉस बेयर नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट लॉस हम इक्वली शेयर करें। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो कम इन्वेस्ट करने वाला वो तो खुश हो जाएगा, कम इन्वेस्ट करके इक्वल शेयर मिल रहा है ना, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले की तरफ से ऑब्जेक्शन आ सकता है ना कि ज्यादा इन्वेस्ट करने का मुझे क्या फायदा होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैपिटल पे एक इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं कि जो जितना इन्वेस्ट करेगा उससे पहले इंटरेस्ट मिलेगा इतना परसेंट, और उसके बाद इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा या लॉस वो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, पहले क्या होगा, प्रॉफिट हुआ आपका ईयर एंड पे, प्रॉफिट में से पहले दोनों पार्टनर्स इंटरेस्ट ले लेंगे ऑन कैपिटल। सपोज हमने 10% सेट की, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 10% पहले उन दोनों को एज एन इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट लेस करने के बाद वो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस तरह दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी ना। तो इसमें ये होगा कि जो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा उसका शेयर ज्यादा बनेगा, और जो इन्वेस्ट कम करेगा उसका शेयर कम बनेगा इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कम पे करने वाले को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, ठीक है। बाकी प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उससे ये होगा कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा हो जाएगा, एक सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, फिर इंटरेस्ट इफ एनी टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। अच्छा देखिए, हम ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, देखिए इसमें एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दो पार्टनर्स हैं, एक की ड्राइंग्स ज्यादा है एक की ड्राइंग्स कम है, दोनों में डिस्प्यूट आ सकता है, जो कम ड्रॉ कर रहा है वो ज्यादा ड्रॉ करने वाले को ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, तुम पैसे ले जाते हो, पेमेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं ये वो, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं, जो जितने ड्रॉ करेगा उस पर इतना परसेंट इंटरेस्ट देगा, तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स, ठीक है, हम लोग यहाँ थे इंटरेस्ट इफ एनी टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ठीक है, तो इसमें होता है कि बाद में राइट, तो ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट लगा देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स ना करे, और जो जितने ड्रॉ करेगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इससे आपका बिजनेस के लिए इनकम भी हो जाएगी।
अच्छा इसको जब प्रोपोर्शन इन विच एनी रेजिडुअल प्रॉफिट इज टू बी एलोकेटेड बिटवीन पार्टनर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किस रेशियो में या किस परसेंटेज में डिवाइड होगा वो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गए कुछ खास खास टर्म्स जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके नोट कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा हम नॉर्मली हमारा क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो बिजनेस हम करते हैं नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ करते हैं या फिर फैमिली के साथ करते हैं, कजन्स वगैरह के साथ। ठीक है, अच्छा तो उसमें क्या होता है आप बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, ऐसा होता है ना? आप दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? एग्रीमेंट नहीं करते ना। ठीक है, अच्छा जब क्या हुआ कि आपने बिजनेस बिजनेस शुरू किया और एग्रीमेंट नहीं बनाया, सही है? अच्छा, बिजनेस चलना शुरू हुआ, पूरा साल गुजर गया, बिल्कुल सही रहा। अब अच्छा जी, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया तो फिर क्या होगा? सर वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं बना था, बिजनेस शुरू हो गया, ऐसे दोस्त थे आपके, कजन थे, अच्छा, दोस्ती यारी में इक्वल क्यों होगा? इक्वल जितना जो है क्या बोलते हैं वो होगा। बिजनेस स्टार्ट किया और एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट, अच्छा इसको पूरे एक लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन है, स्टेट्स दैट द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड एज फॉलोस। ठीक है, मतलब आपको डिस्प्यूट हो गया, बात बढ़ गई, तो फिर जो हमारा लॉ है पार्टनरशिप एक्ट वो क्या कहता है उससे बात करते हैं। नो पार्टनर शुड रिसीव अ सैलरी, ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, एक ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, एक ही काम, दोनों बराबर। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर को इक्वल मिल जाएगा, खत्म, झगड़ा निमट गया। ठीक है, अच्छा वेयर अ पार्टनर एडवांसेस फंड्स इन एक्सेस ऑफ एग्रीड कैपिटल अमाउंट पॉसिबली एज अ लोन, तो दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस एट 5% पर एनम, मार्केट रेट कुछ भी हो 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ ये मतलब सीन होता जब केस हो गया, बात बढ़ गई बहुत, उस वक्त फिर ये सारी सिचुएशन आती है। ठीक है, क्या चीज? नहीं लोन की बात हो रही है, क्लास के एंड पे दे दो। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाइक एंड स्कार एंड पार्टनरशिप एंड हैव द फॉलोइंग, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टू प्रोवाइड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, पाइक एंड स्कार आर टू रिसीव सैलरी ऑफ 6000 एंड 8000 पर एनम रिस्पेक्टिवली, the balance of profit or loss is to be divided between Pike and Iskar in the ratio of 3:2. अच्छा ये इनका agreement है, net profit for the year amounts 20,000 and capital account balances are Pike 12,000 and Iskar 9,000. Prepare a statement showing appropriation of profit between the partner. ठीक है, profit कितना है? 20,000 का profit है, ये हमें as per agreement distribute करते हैं। ठीक, table बनेगा कुछ इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 20,000। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर एग्रीमेंट। पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू प्रोवाइड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम,
अच्छा कैपिटल बैलेंस कितने इनके? 12,000 और 9,000, तो 12,000 का 8% कैलकुलेट करें। 12,000 का 8% 960 और 9,000 का 8% 520। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 960 और 720, और इन दोनों का टोटल आ जाए। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको इंटरेस्ट, हाँ आखिर में बारह बारह हजार क्या? अच्छा इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं पहले। अब इसके बाद नेक्स्ट है पाइक एंड स्टार आर टू रिसीव अ सैलरीज ऑफ 6,000 एंड 8,000 पर एनम रिस्पेक्टिवली। ठीक, सैलरी देते थे दोनों पार्टनर्स को 6,000, 8,000 और ये टोटल आए। चलिए कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पाइक एंड स्टार इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 4,320। अब 4,320 को एज पर रेशियो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो क्या दिया इसने? 3:2 का टोटल हो जाएगा 5 ना। ठीक है, 4,320 को डिवाइड करते हैं 5 से, मल्टीप्लाई करें 3 से, ये आएगा 2,592। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 1728। अब इसके बाद हम इनका कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे, तो दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 9,552 और 10,448 का। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर आ गया। अच्छा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तो टोटल आपका जो है 20,000 बन रहा है, जो कि हमारे प्रॉफिट के इक्वल है, तो इससे ये चेक भी हो जाएगा। हाँ वो माइनस हो जाएंगी पहले, जो रेजिडुअल बचेगा वो उनमें एज पर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा पी एन क्यू रन अ बिजनेस सेलिंग होममेड लोशन, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग एंड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 48,000। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। Fees to allocated a salary of 11,000. Interest on capital is to be provided at 7%. Balance of profit is to be split equally. When they said business up, he injected capital of 8,000 and 12,000. ठीक है, तो distribute करते हैं. Profit कितना है? 48,000 का. ये follow पूरा होगा. हाँ ये फॉर्मेट रहेगा। अच्छा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले क्या है, पीस टू बी एलोकेटेड अ सैलरी ऑफ 11,000, सैलरी आ गई 11,000 की, दूसरे पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिल रही 11,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 7% पर एनम। कैपिटल कितना है? 8,000 और 12, उसका 7% कैलकुलेट कर लें, काम सैलरी हो गई। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, इंटरेस्ट कितना है? 560 और 840 आएगा और ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
लिखता है कि द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी स्प्लिट इक्वली, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 35,600, और इसको इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय टू करें ये आ जाएगा 17,800 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, डिवाइड बाय टू कर देंगे, और इसके बाद कॉलम वाइज इनका टोटल कर लेंगे। तो ये दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो पी का प्रॉफिट शेयर 29,360 और क्यू का प्रॉफिट शेयर 18,640 आ गया, ठीक है। और दोनों का टोटल कर लें तो 48,000 बन रहा है, प्रॉफिट के इक्वल आ रहा है। ये इसका आंसर है, इसका चेक हो जाएगा। हर एक नया कुछ आगे नया आएगा। हाँ ठीक है, चले आज यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें नई आगे आएंगी, ठीक है।